आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ओप्पो फ़ोन में ऐप डिलीट नहीं हो रहा है तो उस ऐप को डिलीट कैसे करें। तो जैसे कि हम अपने ओप्पो फ़ोन से ये ऐप लॉक डिलीट कर रहे हैं तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल करके ये हमने ओके पे क्लिक किया बट ये डिलीट नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो ऐप आप अपने फ़ोन में डिलीट कर रहे हैं अगर वो डिलीट नहीं होता है तो उसे डिलीट कैसे करें, आइए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसे डिलीट करने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए, सेटिंग में नीचे आइए, नीचे आने पर ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी आएगा तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे नीचे ये सिस्टम सिक्योरिटी आएगा तो सिस्टम सिक्योरिटी पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइए, नीचे आने पर आएगा ये डिवाइस एडमिन ऐप, तो डिवाइस एडमिन ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे एक कोड वेरिफिकेशन कोड आएगा तो वो आपको डाल देना है, तो जो लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो एंटर करिए। तो यहाँ पर आ रहा है कैपिटल BLQT, अब ये डालकर एक्टिवेट आएगा, नीचे एक्टिवेट पे क्लिक करिए। एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पे जो ऐप आपके फ़ोन में डिलीट नहीं हो रहा है वो ऐप आएगा, जैसे कि ये ऐप लॉक डिलीट नहीं होता है तो ये हमने ऐप लॉक पे क्लिक किया। उसके बाद नीचे डीएक्टिवेट आएगा, डीएक्टिवेट पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए। यहाँ पे अब ये डीएक्टिवेट करने के बाद यहाँ से बाहर आइए और अब इस ऐप को डिलीट करिए। तो यहाँ पे अब ये देख सकते हैं ये एप्लीकेशन डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से अपने ओप्पो फ़ोन में जो ऐप डिलीट नहीं होता है उसे डिलीट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।